हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू डिप्लॉय ए क्रॉनिक्स ट्रू इमेज। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि किस तरह से ए क्रॉनिक्स के थ्रू एक ओएस का बैकअप बनाया जाता है, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से उस बैकअप को हम किसी लैपटॉप पे यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप सही से समझ सकें कि किस तरह से एक ओएस को डिप्लॉय किया जाता है थ्रू ए क्रॉनिक्स। अच्छा, मेरे पास जितने भी लैपटॉप हैं वो सेम मॉडल हैं, ठीक है। तो अगर कोई डिफरेंट मॉडल होता है, इमेज उसकी भी जो है वो डिप्लॉय हो जाती है, पर थोड़े बहुत इश्यूज आते हैं, तो वो कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल वही लास्ट जिस तरह के स्टेप थे। सबसे पहले हम बायोस में जाएंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैं बूट मेन्यू में आ चुका हूँ। USB से बूट कीजिएगा, ये वही एक्रॉनिक्स वाली USB लगी हुई है, किंगस्टन डेटा ट्रेवलर नंबर 1 प्रेस कीजिएगा। 1 लोडिंग स्टार्ट हो गई है एक्रॉनिक्स की। चलें जी, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बैकअप बनाया था, इस वीडियो में हम क्लिक करेंगे रिकवरी पे और सेलेक्ट करेंगे डिस्क एंड पार्टीशन रिकवरी। ब्राउज करेंगे सबसे पहले उस पाथ को जहां पे हमने इमेज को सेव किया है। माय पासपोर्ट में जाएगा, इधर हमने फोल्डर बनाया था E15 का और ये वो बैकअप फाइल है इसकी, सेलेक्ट कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट कीजिएगा। नेक्स्ट, अच्छा जी, यहाँ पे वो डिस्क सेलेक्ट करेंगे, डिस्क 2 को सेलेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट कीजिएगा इसको भी, प्रोसेस पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं रिकवरी का प्रोसेस शुरू हो चुका है, टाइम आ रहा है 8 मिनट। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं रिकवरी का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, अब इसको ओके पे क्लिक करेंगे और क्रॉस पे क्लिक करेंगे। सिस्टम ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट होगा और आपकी OS आपके सामने होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा किस तरह से हम एक इमेज को डिप्लॉय करते हैं एक न्यू सिस्टम पे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि मजीद आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।